सीकर जिले का खाटू श्याम जी कस्बा बाबा श्याम के मंदिर की वजह से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा श्याम की इस पावन धरा को खाटू धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि बाबा श्याम उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जो लोग सब जगह से निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, इसलिए इन्हें हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दरबार में शीश नवाने खाटू नगरी आते हैं। खाटू श्याम जी कस्बा जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिंगस जंक्शन निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है जिसकी खाटू से दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। बाबा श्याम का मंदिर कस्बे के बीच में बना हुआ है। मंदिर के दर्शन मात्र से ही मन को बड़ी शांति मिलती है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अत्यंत भव्य है। मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ा हॉल बना हुआ है जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। इसकी चारों तरफ की दीवारों पर पौराणिक चित्र बने हुए हैं। गर्भगृह के दरवाजे एवं इसके आसपास की जगह को चांदी की परत से सजाया हुआ है। गर्भगृह के अंदर बाबा का शीश स्थित है। शीश को चारों तरफ से सुंदर फूलों से सजाया जाता है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए बड़ा सा मैदान है। मंदिर के दाईं तरफ मेला ग्राउंड है। इसी तरफ मंदिर का प्रशासन संभालने वाले श्याम मंदिर कमेटी का कार्यालय भी स्थित है। मंदिर से कुछ दूरी पर ही पवित्र श्याम कुंड स्थित है। बाबा श्याम का शीश इसी जगह से प्राप्त हुआ था, इस वजह से इस कुंड के पानी को बड़ा पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पानी पाताल लोक से आता है और जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। कुंड के पास में ही छोटे श्याम मंदिर के साथ साथ अन्य कई मंदिर बने हुए हैं। मेला ग्राउंड में श्याम बगीची स्थित है। इस बगीचे में श्याम जी के अनन्य भक्त आलू सिंह जी की समाधि बनी हुई है। कहा जाता है कि श्याम भक्त आलू सिंह जी इस बगीचे के फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया करते थे। मंदिर के प्रमुख त्योहारों में फाल्गुन मेला सबसे बड़ा है। 5 दिनों तक चलने वाला यह मेला फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। एकादशी को मेले का मुख्य दिन होता है। मेले के समय लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम का निशान लेकर नाचते गाते खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। मेले में आने वाले कई श्रद्धालु होली तक खाटू नगरी में रुकते हैं और होली के दिन बाबा श्याम के दरबार में रंगों का त्यौहार मनाने के पश्चात अपने घर प्रस्थान करते हैं। अन्य त्योहारों में कार्तिक माह की एकादशी को बाबा श्याम के जन्मोत्सव सहित कृष्ण जन्माष्टमी, होली, बसंत पंचमी आदि भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर के शिखर पर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ का निशान साल भर लहराता रहता है। मंदिर पर सूरजगढ़ का निशान लहराने के पीछे एक किंवदंती है। इसके अनुसार काफ़ी वर्ष पहले श्याम भक्तों में मंदिर पर अपना निशान चढ़ाने की होड़ मच गई थी। तब इस बात पर सहमति बनी कि जो भक्त मंदिर के बंद ताले को मोड़ छड़ी से खोलेगा उसी का निशान शिखर पर चढ़ेगा। सूरजगढ़ से निशान लेकर आए श्याम भक्त मंगलाराम ने मंदिर के ताले को मोड़ छड़ी से खोल दिया। उस समय से ही मंदिर के शिखर पर सूरजगढ़ का निशान चढ़ता आ रहा है।
वर्तमान में मंगलाराम के परिवार व सूरजगढ़ के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। बरबरिक के खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने के पीछे एक कथा है। इस कथा के अनुसार बरबरिक पांडु पुत्र महाबली भीम के पौत्र थे। इनके पिता का नाम घटोत्कच एवं माता का नाम कामकंटका था। उन्होंने वाल्मीकि की तपस्या करके उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। हारने वाले पक्ष की सहायता करने के उद्देश्य से नीले घोड़े पर सवार होकर ये कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए आए। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में एक तीर से पीपल के सभी पत्तों को छिदवाकर इनकी शक्तियों को परखा। बाद में दान स्वरूप इनका शीश मांग लिया। फाल्गुन माह की द्वादशी को बरबरिक ने कृष्ण को अपने शीश का दान दे दिया। कृष्ण ने बरबरिक को कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात बरबरिक का शीश रूपवती नदी में बहकर खाटू ग्राम में आ गया। 17वीं शताब्दी में खटवांग राजा के काल में खाटू ग्राम में एक गाय के थनों से श्याम कुंड वाली जगह पर अपने आप दूध बहने की वजह से जब खुदाई की गई तो वहाँ बरबरिक का शीश निकला। राजा खटवांग ने 1720 ईस्वी में बरबरिक के शीश के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। बाद में बाबा श्याम के मंदिर की वजह से यह गांव खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया।